थाना जगह के गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्तगढ़ विशाल चौहान पुत्र खूबलाल निवासी जंगल रसूलपुर नंबर 2 थाना जगह, सूरज गौड़ पुत्र राजू गौड़ निवासी लालापुर थाना जगह, मुकुल यादव पुत्र सुदामा यादव निवासी रामपुरा थाना जगह गोरखपुर की संपत्ति जब्त करने हेतु प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा द्वारा रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्तगढ़ विशाल चौहान, सूरज गौड़, मुकुल यादव उपरोक्त की संपत्ति को धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 10 अगस्त को कुर्क किए जाने तथा कुर्कशुदा संपत्ति को तहसीलदार चौरी चौरा को कब्जे में लेने के लिए आदेश दिया था। आदेश के अनुपालन में तत्कालीन तहसीलदार चौरी चौरा द्वारा अभियुक्त गढ़ों के मकान व मकान के अंदर मौजूद समस्त घरेलू सामान व जानवरों का कमरा तथा एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा व एक पल्सर मोटरसाइकिल को 31 अगस्त को कब्जे में लेकर जब्त किया गया। तहसीलदार चौरी चौरा श्रीमती नीलम तिवारी व प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा उमेश कुमार वाजपेयी मय पुलिस बल की उपस्थिति में विशाल चौहान, सूरज गौड़, मुकुल यादव उपरोक्त की मोटरसाइकिल व सील किए गए मकान की चाबियों को कब्जे में लेकर जब्त किया गया है। उक्त वाहन व चाबी को थाना जगह पर तहसीलदार चौरी चौरा द्वारा लाकर दाखिल किया गया है। दाखिल किए गए वाहनों व सीज किए गए मकान की अनुमानित कीमत लगभग 42 लाख रुपए से अधिक की है। गैंग लीडर विशाल यादव उपरोक्त आदि के विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के पश्चात इसकी संपत्ति को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया है। संपत्ति जब्त करने वालों में तहसीलदार चौरी चौरा श्रीमती नीलम तिवारी, थाना चौरी चौरा के प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार वाजपेयी, उप निरीक्षक दिनेश बहादुर सिंह, उप निरीक्षक रमेश चंद्र चौधरी, कांस्टेबल अजय कुमार सिंह, कांस्टेबल गोविंदा गौर शामिल रहे। नाम लिख दिया, गलत नाम लिखा दिया। सुनो 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 गाँव वालों सुनो, आपके गांव का अपराधी सूरज गौड़ समाप राजू गौड़ सीज की जा रही है, कुर्क की जा रही है। गैंगस्टर का मुलजिम सूरज गौड़ पुत्र राजू गौड़ निवासी लालापुर 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत इसकी संपत्तियां सीज की जा रही है। माननीय डीएम गोरखपुर महोदय के आदेशानुसार तहसीलदार इधर सर हो गया।